फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन एंड आंसर फॉर जीआईबी एंड बैंक प्रमोशन टॉपिक। इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर जीआईबी एग्जामिनेशन एंड बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन। सेक्शन ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, द पावर ग्रांटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पावर था कि वो रूल बना सकता था प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड फॉर द बैंक। ये कौन सा सेक्शन में बताया गया है? ये हमारा आंसर है सेक्शन 45Y ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। लोन्स टू माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस विल बी ग्रांटेड विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी इफ द लोन अमाउंट इज अप टू ₹10 लाख। तो ये 10 लाख का लोन हम लोग किसी भी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस को ग्रांट कर सकते थे विदाउट थर्ड पार्टी ग्रांटी और सिक्योरिटी के बिना। व्हाट इज नेट वर्किंग कैपिटल? लॉन्ग टर्म सोर्सेस माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। व्हाट विल बी द एक्सचेंज रेट इन द केस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और कैस्टलाइजेशन ऑफ ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल? माने आप एक्सचेंज रेट कितना होगा जब आप कैंसिल करवाएंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को और क्रिस्टलाइज करेंगे कोई ओवरड्यू एक्सपोर्ट बिल है उस पर? तो आपका होता है टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र सेलिंग रेट। टेलीग्राफिक बाइंग रेट में हम लोग क्या करते हैं कि इन फॉरेक्स को ख़रीदते हैं और सेलिंग में बेचते हैं। तो हम यहाँ पर कोई भी चीज़ कैंसिल करवा रहे हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारा था वो था किसी करेंसी को हम लोग फॉरवर्ड में कॉन्ट्रैक्ट में किए होंगे ख़रीदने के लिए, तभी वो कैंसिल करवा रहे तो उसको सेलिंग रेट देना पड़ेगा ना कि बाइंग रेट देना पड़ता है। इफ़ फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट हु विल बी बेनिफिटेड? तो फॉरेन करेंसी का दाम बढ़ जाता है तो कौन किसको मिले? एक्सपोर्टर को फॉरेन करेंसी मिलता है तो एक्सपोर्टर बेनिफिट हो जाता है। उसी तरह यदि फॉरेन करेंसी डिप्रिसिएट कर जाएगा तो इम्पोर्टर को बेनिफिट होगा। ये उल्टा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉरेन करेंसी अप्रिसिएट होने का मतलब हो गया कि अभी फॉरेन करेंसी का दाम, अभी एक डॉलर का दाम 65 रुपया था, बढ़ के अभी 70 रुपया होगा, तो अभी उसको जो वो एक्सपोर्टर जो है उसको बेनिफिट हो जाएगा। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ MCLR? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लेंडिंग रेट। तो ये होता है MCLR। MCLR का भी कभी कल फुल फॉर्म पूछ देता है, तो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट कहते हैं इसको। इसका कंपोनेंट क्या क्या होता है कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ CRR होता है, मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ कैश रिजर्व रेशियो, टेनोर प्रीमियम होता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होता है। ये चारों मिला के क्या बनते हैं हम लोग? MCLR बनता है, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट। व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ बोनस शेयर्स ऑन द नेटवर्थ? तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं होता, नो इम्पैक्ट एज इट इज क्रिएटेड बाई कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व। मैंने वो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व के द्वारा क्रिएट होता है बोनस शेयर, इसीलिए इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं होता है। इन केस ऑफ फेल्ड ATM ट्रांजेक्शन्स द कस्टमर्स अकाउंट शुड बी क्रेडिटेड विदिन हाउ मेनी डेज? कितना दिन के अंदर यदि कोई ATM का ट्रांजेक्शन फेल हो जाएगा तो कस्टमर का अकाउंट को क्रेडिट करना होता है? तो 7 वर्किंग डे हमारा होता है। टर्म डिपॉजिट ऑफ ₹20,000, यदि 20,000 का कोई टर्म डिपॉजिट है और वो आर नॉट पेड इन कैश, तो हम लोग उसको कैश में नहीं पे करते हैं एज पर विच एक्ट, मतलब किस एक्ट के द्वारा ये बताया गया है? तो ये होता है इनकम टैक्स एक्ट का। इनकम टैक्स यदि 20,000 का वो सबसे ज़्यादा कर चोरी कर सकता है, मीन्स इनकम टैक्स चोरी करने का डर रहता है, इसीलिए एज पर सेक्शन 269T ऑफ इनकम टैक्स के द्वारा 20,000 से ऊपर का पैसा हम लोग कैश में नहीं पे कर सकते। इन केस ऑफ प्लेसेस विद पॉपुलेशन लेस देन 10 लाख, 10 लाख से कम का पॉपुलेशन हो, हाउ मच अमाउंट ऑफ हाउसिंग लोन कैन बी ग्रांटेड फॉर कवरेज अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर? प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में कवरेज करने के लिए कितना हाउसिंग लोन ग्रांट करते हैं? इफ़ द कॉस्ट ऑफ हाउस इज 25 लाख, यदि 25 लाख का उसका कॉस्ट आ रहा है तो उसको आंसर होता है 20 लाख, 20 लाख रुपया हम लोग उसका कवर करते हैं। ऑफ गवर्नेसी ऑर्डर द स्टेटस ऑफ बैंक इज, बैंक जो होता है वो डेबिटर होता है और जो जिसके जो थर्ड पार्टी जो केस किया हुआ है वो क्रेडिटर होता है, इसीलिए जजमेंट डेबिटर का डेबिटर होता है कौन? बैंक। और कस्टमर जो होता है क्रेडिटर होता है, जो उस पर केस किया किसी या डिस्प्यूट्स में ही होता है कि कोई थर्ड पार्टी किसी खाता के लिए पार्टनरशिप फॉर्म में है और वो एक पार्टनर केस कर दिया और बोल रहा है कि नहीं पैसा ये मेरा है और वो उसका यूज कर रहा, तो उस केस में यदि कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो उसी को गार्निसी ऑर्डर कहते हैं। और उसमें बैंक जो होता है डेबिटर होता है, मीन्स बैंक को पैसा देना रहता है, और क्रेडिटर जो होता है जो थर्ड पार्टी जो केस किया रहता है। इन केस ऑफ इश्यू ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ऑफ ₹20,000 और अबव, इट शुड बी क्रॉस्ड विथ अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग होता है। इसमें क्या होता है कि अकाउंट पेइंग अगर 20,000 से ऊपर का पैसा है तो इनकम टैक्स के रूल में आ जाता है, इसीलिए अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग से मालूम चल जाता है ये किस पैसा किसके खाता में जा रहा और जिससे इनकम टैक्स का अधिक श्रेणी में है तो उससे हम लोग बैंक काट सकता है, इसीलिए कैश में पेमेंट ना करके हम लोग इसको अकाउंट पेइंग क्रॉसिंग के थ्रू ही पेमेंट करते हैं।
इन केस ऑफ फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन इफ द क्रेडिटर इज नॉट मेड टू कस्टमर्स अकाउंट विद इन 7 डेज कंपनसेशन इज पेबल एट ₹100 पर डे प्रोवाइडेड कंप्लेंट इज मेड बाई द कस्टमर विद इन द 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका मतलब होता है कि कोई भी फेल्ड एटीएम ट्रांजेक्शन हो जाता है और उस कस्टमर अकाउंट को 7 दिन का अगर हम लोग उसको नहीं पे करते हैं तो उसको कंपनसेशन हम लोग को ₹100 पर डे पे करना पड़ता है। तो कितने दिन के अंदर पे करना पड़ता है? तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन, वो ट्रांजेक्शन जब से हुआ उसका 30 दिन तक। व्हाट इज द मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन FCNR टर्म डिपॉजिट विथ मेच्योरिटी लेस देन 3 ईयर्स? लिबर प्लस 200 बेसिस पॉइंट होता है। लिबर का होता है लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट होता है, जिस पर 200 बेसिस पॉइंट ऐड करके FCNR का टर्म डिपॉजिट लेस देन 3 ईयर हो तो उसको हम लोग देते हैं। इन एग्रीकल्चर एडवांसेस नो कोलेट्रल सिक्योरिटी टेकन फॉर द लोन्स अप टू 1 लाख का लोन के लिए कोई कोलेट्रल सिक्योरिटी हम लोग नहीं लेते हैं किसी एग्रीकल्चर के केस में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू नोट को, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो इशू करता है नोट, वो 1 रुपया का नोट इशू करता है, और RBI जो इशू करता है 2 रुपया से लेकर सभी नोट को इशू जारी करता है RBI। मैक्सिमम एजुकेशन लोन फॉर कवरेज अंडर प्रायोरिटी सेक्टर इन इंडिया, तो इसके लिए कोई लिमिट नहीं है कि मैक्सिमम कितना प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में लिमिट नहीं है कि लोन कितना होगा। बहुत सारा लोन हम लोग कर सकते हैं बहुत अमाउंट का, बट 10 लाख रुपया तक को हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर में काउंट करेंगे। लोन टू इंडिविजुअल हुज इनकम इज लेस देन 1 लाख इन रूरल एरिया, में कोई इंडिविजुअल का 1 लाख का इनकम कम का इनकम है, अप टू व्हाट लिमिट कम्स अंडर द प्रायोरिटी सेक्टर, उसके लिए प्रायोरिटी सेक्टर कितना रुपया, किसी का इनकम 1 लाख से कम है तो उसको प्रायोरिटी सेक्टर में कितना रुपया इंक्लूड होता है, यदि वो लोन लेगा तो उसके कितना रुपया का हम लोग इंक्लूड करेंगे प्रायोरिटी सेक्टर के अंदर, तो 50,000। पारी परसू चार्जेस मीन्स, मैंने एक ऐसा चार्ज होता है पारी परसू चार्ज, एक ऐसा होता है जिसमें कि बहुत सारा बैंक किसी संस्था को लोन दिया रहता है तो उनका चार्जेस जो होता है, जो अभी उनका अभी वो डिफॉल्टर हो गया और उसका हम लोग सिक्योरिटी को बेचेंगे, द सेल प्रोसीड ऑफ सिक्योरिटी शेयर बाय डिफरेंट बैंक इन द रेशियो ऑफ देयर आउटस्टैंडिंग लोन, मैं जितना लोन उनका आउटस्टैंडिंग है उसका जो अमाउंट है उसका माने उस रेशियो से यदि हम यदि बांट के देंगे तो इसको कहते हैं पारी परसू चार्जेस। कन्वर्सन्स मीन्स क्या होता है, कलेक्शन ऑफ चेक फॉर ए कस्टमर हु इज नॉट द ओनर ऑफ दैट चेक। मान लीजिए कि कोई कस्टमर है जिसका चेक जो कलेक्ट कर रहे हैं किसी का दूसरे के बिहाफ में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्सन। कलेक्शन चेक फॉर ए कस्टमर हु इज नॉट द ओनर ऑफ डैट चेक मीन्स कलेक्ट चेक ऑफ ए कलेक्टेड फॉर अकाउंट ऑफ अनदर ए, इसको कहते हैं हम लोग कन्वर्सन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट लिमिट इन प्लांट एंड मशीनरी फॉर क्लासिफिकेशन एज स्मॉल मैनुफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस, तो ये आप मैनुफैक्चरिंग स्मॉल मैनुफैक्चरिंग इंटरप्राइजेस उसको कहते हैं जो इन्वेस्ट करता है प्लांट एंड मशीनरी के लिए, हमने प्लांट और खरीदने के लिए जो इन्वेस्ट करता है उसको कहते हैं मैनुफैक्चरिंग सेक्टर। इसी को मैनुफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये है तीन तीन इसमें होता है माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तो MSME है। तो MSME इंटरप्राइजेस क्या होता है, माइक्रो इसमें कितना रुपया का लिमिट होता है, 25 लाख तक का माइक्रो के लिए। स्मॉल के लिए जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है उसी का है, 25 लाख से 5 करोड़ का। फिर मीडियम इंटरप्राइजेस होता है तो 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपया का बीच में होता है। इसी तरह सर्विस सेक्टर भी होता है जो इन्वेस्ट करता है इक्विपमेंट में, इन्वेस्टमेंट इन इक्विपमेंट होता है, यदि इक्विपमेंट में इन्वेस्ट करता है तो उसको हम लोग सर्विस सेक्टर में काउंट करते हैं। जो इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी में करता है उसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काउंट करते हैं। तो इसमें भी तीन होता है सर्विस सेक्टर के अंदर, माइक्रो स्मॉल और मीडियम। माइक्रो का जो लिमिट होता है वो 10 लाख रुपया तक का इन्वेस्ट कर सकता है, स्मॉल इंटरप्राइजेस का जो लिमिट होता है 10 लाख रुपया से लेकर 2 करोड़ रुपया तक का होता है, और मीडियम इंटरप्राइजेस का जो होता है वो 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपया तक का होता है। अच्छा, अब आता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रोप लोन्स अंडर KCC फॉर क्लेमिंग इंटर सबमिशन, इसमें आप लोग 3 लाख रुपया तक का लोन का आपको इंटर सबमिशन मिल जाता है। नबार्ड किसको सुपरविजन करता है, किस टाइप का बैंक को, तो नबार्ड जो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये रीजनल रूरल बैंक को सुपरविजन करता है। इसका मतलब रीजनल रूरल बैंक ग्रामीण बैंक होता है। SLR जो डिफाइन होता है किस सेक्शन में डिफाइन है, ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का सेक्शन 24 में डिफाइन है, और CRR होता है तो 42 ऑफ RBI एक्ट में डिफाइन होता है। अर्थात इंटरेस्ट गिवन बाई RBI एंड CRR, तो हम लोग को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता है। जो हम लोग पैसा CRR कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है कि हम पैसा RBI के पास जो रखते हैं तो उसके लिए कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता। CRR मेंटेन किसके करते हैं, NDTL में, नेट टाइम एंड डिमांड लाइबिलिटीज में मेंटेन करते हैं। इनकम क्राइटेरिया क्या है PMJP का, तो नो सीलिंग है, इनकम का कोई नहीं होता इसमें, सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होता है कि 18वां पास से ऊपर का आदमी लोग को लोन मिलता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम पीरियड फॉर FCNR 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में मैक्सिमम। ये फॉरेन करेंसी ओला का जो खाता होता है, फॉरेन करेंसी रुपीज़ का जो खाता होता है, इसका एक साल से 5 साल के बीच में होता है। फुल फॉर्म ऑफ MCLR पहले बता दिए गए हैं, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट कहते हैं इसको। ये जो होता है उसका कौन कौन सा होता है क्वेश्चन से और था वो बता चुके हैं।
फुल फॉर्म ऑफ LRS लाइब्रेरी लिमिटेड स्कीम। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं कि हम फॉरेन करेंसी में जो डील करते हैं उसको रिमिटेंस कितना कर सकते हैं, यही हमारा है लिबरलाइज्ड।